प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत के जनकपुर पहुंचे। वे यहां लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किए। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का नवीन जिला एमसीबी में यह पहला दौरा रहा, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आम सभा के दौरान कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में उन्होंने समा बांध दिया। क्षेत्र का विधायक ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव में जो 10 साल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ऐसा मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर हर वर्ग के जो चिंता करीन है ऐसे प्रधानमंत्री के ये चुनाव में तो आप मन से मैं पूछना चाहत हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, बनाना है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग बताइए बनाना है कि नहीं। चले बहुत बहुत धन्यवाद। तो बनाना है तो क्या करना पड़ी, हमारे कोरबा क्षेत्र के हमारे पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सुश्री सरोज पांडे उमला बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के जिताना पड़ी। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं और विकसित भारत बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार काम किया। सबका साथ सबका विकास ये उन्होंने नारे के साथ काम की शुरुआत की थी। कोई वर्ग पीछे नहीं छूटने पाया है।